सब्र की सवारी पर सवार व्यक्ति कभी नहीं गिरता, न किसी की नज़रों में और न किसी के कदमों में। हाय, मैं सूरज राम राजपूत, डीएवी इंटर कॉलेज आलीपुर खेड़ा से आपके लिए लेकर उपस्थित हैं कक्षा 12 गणित। टॉपिक चल रहा है समाकलन क्रम से। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू डी एक्स अपॉन रूट 2x² माइनस 8x प्लस 5। आंसर क्या होगा? आई बराबर इंटीग्रेशन एक्स माइनस टू अपॉन रूट 2x² माइनस 8x प्लस 5 dx। बटे वाले का अवकलन ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, तो इसका अवकलन किया जाए तो क्या होगा? 4x माइनस 8, ये इसका अवकलन रहेगा। बटे वाले का अवकलन आप चेक कर सकते हैं, 2x² माइनस 8x प्लस 5। अगर इसका अवकलन करने की कोशिश करेंगे तो ये है इसका अवकलन। अब रहना चाहिए इतना, तो क्या किया? 4 का भाग हो गया काम, पूरा कवर हो गया एक ही बार में, पूरा 4 का भाग दिया इसमें तो क्या आएगा? x इसमें भाग दिया तो क्या आएगा? -2 रखा है, बस हो गया काम खत्म। लास्ट वाला जो प्रश्न था एकदम इजी, देखिए कितना सरल है प्रश्न। टी 4x माइनस 8 dx बराबर dt, तो i बराबर 1/4 तो लिखना ही पड़ेगा, ये वाला क्या आया? 1/√t dt। आई बराबर 1/4 इंटीग्रेशन टी पे पावर माइनस के 1/2 dt, आई बराबर 1/4 कितना होगा इसका समाकलन? 1/4 टी पे पावर 1/2 प्लस सी, इनसे ये कट जाएंगे दो बार, कितना आया? 1/2 √t प्लस सी, आई बराबर 1/2 √t का मान 2x² माइनस 8x प्लस 5 प्लस सी। आंसर इस पे कुछ रख दें यार, खराब हो रहा है। चलिए देखते हैं उसका अगला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 18 हो चुका है आपका, क्वेश्चन नंबर 19। में है इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। आंसर क्या होगा? आई बराबर इंटीग्रेशन 2x प्लस 3 अपॉन x² प्लस x प्लस 1 और dx। आई बराबर इंटीग्रेशन बटे वाले का अवकलन इतना हो गया, ये आपको पता है क्या हो गया? x² प्लस x प्लस 1, ऊपर बनाने की कोशिश क्या करेंगे? 2x प्लस 3, तो 2x तो रखा ही है, प्लस 1 प्लस कितना? 2 अलग लिख दिया, और dx आई बराबर 2x प्लस 1 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 dx प्लस 2 इंटू 1 अपॉन रूट x² प्लस x प्लस 1 dx। इसे तो मान लिया x² प्लस x 1 बराबर t, 2x प्लस 1 dx इक्वल टू dt, i बराबर 1/√t dt प्लस 2 कोष्टक 1/√
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वही होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, एक बटे चार जोड़ दिए, एक बटे चार घटा दिए, एक पहले से लिखा है, और डी एक्स आई बराबर टी पे पावर माइनस के एक बटे दो डी टी प्लस टू वन अपॉन रूट एक्स प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर डी एक्स। आई बराबर टी पे पावर एक बटे बटे दो बटे में एक बटे दो वन अपॉन रूट इसे मान लेते हैं कुछ देर के लिए एक्स प्लस एक बटे दो बराबर टी डैस डी एक्स बराबर डी टी डैस ये मान लिया तो क्या आएगा टी डैस का स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू का होल स्क्वायर डी टी डैस ये दो पहुंच जाएंगे ऊपर तो टू रूट टी प्लस टू ये सूत्र किसका है लॉग टी प्लस रूट टी डैस स्क्वायर प्लस रूट थ्री बाई टू होल स्क्वायर प्लस सी। आई बराबर टू टी का मान टी 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 का मान टी का मान इधर माना है ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग टी डैस का मान ये है टू एक्स प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर नहीं है प्लस रूट टू एक्स प्लस वन अपॉन टू का होल स्क्वायर प्लस थ्री बाई फोर प्लस सी। आई बराबर टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस इसे होल स्क्वायर खोलेंगे तो ठीक वही प्राप्त होगा फोर एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस वन प्लस थ्री प्लस सी। आई बराबर टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन प्लस टू लॉग टू एक्स प्लस वन प्लस चार कॉमन ले लिए दो बाहर निकले तो अंदर क्या आया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन और प्लस सी दैट इज योर आंसर। ठीक है आया होगा क्वेश्चन समझ निश्चित रूप से क्यों वही सवाल हम रिपीट कर चुके हैं इससे पहले भी यही सवाल हुआ उससे पहले भी तो ये क्वेश्चन थोड़े से बड़े ज़रूर हैं लेकिन इजी हैं क्यों आपको उसका निश्चित सिद्धांत एक पता है। हाँ ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 इंटीग्रेशन 4x प्लस फाइव अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन डी एक्स। ठीक है देखिए ऐसे ही इसे डायरेक्ट बनाने की कोशिश कीजिए क्यों अब तो आप डायरेक्ट बना रहे हैं पहले मैंने एक विधि को भी नोट किया है उस विधि से भी आप कर सकते हैं आप डायरेक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं कितना आएगा 2x प्लस फोर बना इसका अवकलन है कितना 4x दो का गुणा कर दिया इसका गुणा इसमें होगा 4x बनेगा इसका गुणा इसमें होगा 8 बनेगा है 5 ही तो माइनस के 3। ठीक है आई बराबर अब बाकी प्रोसेस वही है जिसे आप अच्छे से जानते हैं और वही काम करना है 2x प्लस फोर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन डी एक्स माइनस थ्री वन अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन डी एक्स। आई बराबर दो तो आगे आ गए क्या लिखा है 2x प्लस फोर अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन डी एक्स माइनस थ्री वन अपॉन इसे तो जानते हो होल स्क्वायर बनाने की कोशिश की जाएगी कोशिश कीजिए पूरी कोशिश कीजिए माइनस फोर प्लस फाइव माइनस फोर प्लस नाइन डी एक्स ये मान लिया एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन इक्वल टू टी टू एक्स प्लस फोर
डी एक्स बराबर डी टी, आई बराबर टू वन अपॉन रूट टी डी टी, माइनस थ्री वन अपॉन रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव डी एक्स, आई बराबर टू टी पे पावर माइनस एक बटे दो डी टी, माइनस थ्री इसे मान लेंगे एक्स प्लस टू बराबर डी टी डैश, डी एक्स बराबर डी टी डैश वन अपॉन रूट टी डैश का स्क्वायर प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर डी टी डैश। आई बराबर टू टी पे पावर एक बटे दो बटे एक बटे दो माइनस थ्री, ये सूत्र किसका है, लॉग टी डैश प्लस रूट टी डैश का स्क्वायर प्लस रूट फाइव होल स्क्वायर प्लस सी। क्या दिक्कत आ रही है, चलिए दो पहुँच जाएंगे ऊपर, क्या आएगा चार रूट टी माइनस थ्री लॉग टी डैश का मान रखिए एक्स प्लस टू प्लस रूट एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस फाइव प्लस सी, आई बराबर फोर रूट टी का मान, टी का मान ये रहा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन माइनस थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस नाइन हो जाएंगे ओके, और ये रहा उसका उत्तर। अब इस तरीके से बचे हुए प्रश्नों को भी हल करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से आपके सामने उपस्थित होंगे, तब तक करो कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद।